चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पंचायतों के परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग को अब इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है और सरकार ने पंचायत सीमाओं का विस्तार किया, जिसके तहत पंचायतों में 2300 से ज्यादा नए वार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश में पंचायत सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये संख्या अब 852 से बढ़कर 875 पहुंच चुकी है। वहीं वार्ड 3,62,309 से बढ़कर 3,64,309 हो चुके हैं। तो देखिए, परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। सुगबुगाहटें भी तेज हैं कि क्या पंचायत चुनाव जल्दी ही हो सकते हैं, लेकिन इस बीच सवाल वहीं अटका हुआ है कि जब पंचायत चुनाव टले थे तो उसका कारण ओबीसी आरक्षण माना गया था। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, पंचायतों के परिसीमन का काम पूरा हो चुका है और जिस तरह से हमने देखा कि संख्या भी बड़ी है पंचायत सदस्यों की और वार्डों की भी, लेकिन सवाल वही है कि अगर ये कहा जा रहा है कि अब पंचायत चुनाव जल्दी हो सकते हैं तो ये क्यों कहा जा रहा है, जबकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ही पंचायत चुनाव टले थे। देखिए, पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए थे सभी कलेक्टरों को कि पंचायतों के परिसीमन को लेकर वो जानकारी दुरुस्त करें। यही कारण है कि सभी जिला कलेक्टरों ने पंचायतों के परिसीमन की जानकारी राज्य सरकार को भेजी थी और राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को भेज दी है, जिसके तहत लगातार 2,850 जो नए वार्ड बने हैं, इसके साथ ही जो नए सदस्य हैं उनकी सूची जारी हुई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे, शायद यही वजह है कि अभी जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग है वो जनसंख्या के आधार पर आर्थिक सर्वे कर रहा है, जनसंख्या का सर्वे कर रहा है, और जब पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा उसके बाद माना सकता है कि अगले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग कोई कदम उठा सकता है। लेकिन परिसीमन की यदि बात करें तो परिसीमन पूरा हो चुका है, लेकिन अब बात जो है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग कल्याण के पाले में है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि कब तक ये ओबीसी जो कल्याण वर्ग पिछड़ा वर्ग बना हुआ है उसमें किस तरीके से जनसंख्या होती है, एक आर्थिक सर्वे होता है, किस तरीके की एक जनगणना वो करके राज्य सरकार को सौंपते हैं, उसके बाद जब राज्य निर्वाचन आयोग के पास ओबीसी की संख्या और तमाम जो तकनीकी पहलू हैं वो पहुँचेंगे, फिर शायद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के ऊपर कुछ बात कर सकता है। कह सकते हैं कि चुनावी पंचायत चुनाव का उस समय रास्ता साफ हो सकता है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने कि पंचायतों के परिसीमन का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन देखना होगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है वो कब निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बार जब पंचायत चुनाव निरस्त हुए थे कारण स्पष्ट था कि ओबीसी आरक्षण ही वो मुद्दा था जिसके चलते पंचायत चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन अब क्योंकि परिसीमन का काम पूरा हो गया, राज्य निर्वाचन को रिपोर्ट भी सौंपी गई है, देखना होगा कैसे ये पेंच निकलता है ओबीसी आरक्षण का और उसके बाद आगे क्या कुछ प्रक्रिया चुनाव के लिए होती है। धन्यवाद सूरज तमाम बातचीत के लिए।